मजदूरी दिलाने के नाम पर दो नाबालिगों से किया रेप, महिला सहित तीन दोषियों को आजीवन और 10-10 साल के कारावास की सजा। पॉस्को न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश अनुप कुमार पाठक ने पॉस्को के मामले में फैसला सुनाते हुए दो नाबालिगों से रेप करने के मामले में एक महिला सहित तीन लोगों को दोषी करार देते हुए एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा एक महिला और एक पुरुष को 10-10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पॉस्को न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा के अनुसार पिंडवाड़ा थाने में एक व्यक्ति ने 2022 में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उसकी नाबालिग बेटी को मजदूरी के नाम पर एक युवक बहला फुसला कर गुजरात ले गया तथा वहां एक कमरे में बंद रखा तथा उसके साथ कई दिन तक दुराचार किया। एक अन्य मामले में एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि मजदूरी के नाम पर गुजरात ले जाकर 6 दिन तक दुराचार किया। पिंडवाड़ा पुलिस ने इन दोनों ही मामले की जांच शुरू की तथा दो महिलाओं सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पॉस्को न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा के पेश किए गए तथ्यों से सहमत होते हुए एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा अलग अलग धाराओं में अर्थदंड से दंडित किया। एक महिला और एक पुरुष आरोपी को 10-10 साल का कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया।